अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाही तआला व बरकातुह। इनमें से कौन सी चीज़ नमाज में वाजिब है? आपके ऑप्शन हैं ए किरात, बी रुकू, सी कायदे उला, डी कायदे अखीरा। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब आपकी स्क्रीन पर सी कायदे उला। कायदे उला ये नमाज में वाजिब है। कायदे उला उस कायदों को कहते हैं जो चार रकत वाली नमाज में या तीन रकत वाली नमाज में दो रकत पर जो बैठते हैं उस बैठने को कायदे उला कहते हैं, और चार रकत वाली नमाज में चार रकत पर जो बैठते हैं और दो रकत वाली नमाज में दो रकत पर जो बैठते हैं उसे कायदे अखीरा कहा जाता है। अब जो गुज़िश्ता एपिसोड में हमने सवाल करा था उस सवाल का जवाब आप तक पहुंचा रहे हैं। सवाल था, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कितने झंडे लगाए थे? आपके ऑप्शन थे ए चार झंडे, बी तीन झंडे, सी दो झंडे, डी एक झंडा। इसका सही जवाब है बी तीन झंडे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत पर हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने तीन झंडे लगाए थे, तो ये झंडे लगाना हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत हुआ हुजूर की विलादत पर। सबसे पहले सही तीन जवाब देने वालों के नाम हैं इमराना ख़ान हल्द्वानी, तनु एहसानी बरेली, सैयद वरीशा अजहरी अलीगढ़। आज का सवाल जिसका जवाब आपको देना है, सवाल है इनमें से कौन सी चीज़ नमाज में फ़र्ज़ नहीं? आपके ऑप्शन हैं ए किरात, बी कौमा, सी क़याम, डी कायदे अखीरा। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब मालूम है तो आप फौरन कमेंट्स में अपना जवाब लिखें, जवाब के साथ अपना नाम और सिटी का नाम ज़रूर लिखें। सबसे पहले सही तीन जवाब देने वालों के नामों को अगले एपिसोड में शामिल किया जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगर किसी ने दो की जगह एक सजदा किया तो क्या हुक्म है? आपके ऑप्शन हैं ए नमाज नहीं होगी, बी नमाज हो जाएगी, सी सजदे सहू करना होगा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब आपकी स्क्रीन पर ए नमाज नहीं होगी, क्योंकि दोनों सजदे करना फ़र्ज़ हैं। अगर कोई फ़र्ज़ छूट जाए नमाज में, चाहे वो जानबूझकर छोड़ा हो या भूले से छोड़ा हो, तो नमाज नहीं होगी, सजदे सहू से भी नमाज नहीं होगी अगर फ़र्ज़ कोई छूट गया। तहारत नमाज में क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए फ़र्ज़, बी शर्त, सी वाजिब, डी सुन्नत। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब आपकी स्क्रीन पर बी शर्त। तहारत नमाज में शर्त है। कौमा किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए दोनों सजदों के दरमियान बैठने को, बी रुकू से खड़ा होने को, डी सी तीन बार तस्बीह पढ़ने को, और डी इनमें से कोई नहीं। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब आपकी स्क्रीन पर बी रुकू से खड़े होने को। रुकू से खड़े होने को कौमा कहते हैं। इनमें से कौन सी चीज़ नमाज में सुन्नत है? आपके ऑप्शन हैं ए किरात, बी कायदे उला, सी सना पढ़ना, डी कायदे अखीरा। आपका वक्त शुरू होता है अब।
सही जवाब आपकी स्क्रीन पर सी सना पढ़ना। सना पढ़ना ये नमाज में सुन्नत है। आपको हमारा ये प्रोग्राम के बीजे कौन बनेगा जानकार कैसा लगता है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इसकी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।